नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि 6 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है और इसको लेकर सभी प्रत्याशी चुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव का परिणाम 4 जून को आना है, लेकिन कोई भी प्रत्याशी अपने आप को हारता हुआ नहीं बल्कि जीतता हुआ ही देख रहा है। चूंकि चुनाव जीतना और हराना और ये जनता के हाथ में है। जनता किसे अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जनता की क्या राय है, इसी को जानने के लिए 7वें चरण में शामिल कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम ने लोगों से बात की। लोगों ने क्या कहा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। इस वक्त देश में लोकसभा का चुनाव 6ठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है, 7वां चरण बाकी है। 6ठे चरण के चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है। किसके सर पे ताज होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। जनता किसे अपना सांसद चुनेगी, किसे प्रधानमंत्री बनाएगी, ये तो जनता ही जानती है। जनता चूंकि जनार्दन है। हम बात कर रहे हैं 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण में होने वाले चुनाव की, जिसमें कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। आप सबको पता है कि कुशीनगर एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, पुरातात्विक स्थल रहा है और कुशीनगर को लोग बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। लोगों की निगाहें टिकी रहती हैं कुशीनगर पे। आइए कुशीनगर में हम इस समय खड्डा विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, अलग अलग जगहों पे जाकर के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। किनकी राय क्या है, आइए हम उनसे जानते हैं, पूछते हैं और किसे वो सरकार बनाना चाहते हैं, आइए उनकी राय हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के, ये भी खड्डा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ मैं छितौनी बाईपास बोलते हैं इसको, छितौनी बाईपास पे मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ चचा लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे हम। तो आइए मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। महात्मा जी, अपना नाम बताइए। जंगली यादव। जंगली यादव जी हैं आप? अच्छा अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं क्या? यहीं के रहने वाले छितौनी के। पहली तारीख को चुनाव है, पता है ना? वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे, वोट डालने जाएंगे। हाँ, क्या इरादा है इस बार? इस बार इरादा क्या है, इरादा यही है कि देख रहे हैं हम लोग की इलेक्शन आया है तो सब लोग अपना अपना गमछा फंसा रहे हैं और इलेक्शन बीत जाने के बाद कोई यहाँ मुँह नहीं दिखाता है और जो काम करता है उस विधायक को और उस सदस्य को यहाँ से नहीं टिकट मिला है। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ से अगर जटाशंकर त्रिपाठी खड़े होते तो कोई रोक नहीं पाता भाजपा को। अच्छा, हाँ, तो विजय कुमार दुबे जी हैं वो? भाई हम लोगों से उनसे नहीं पूछी है, इसलिए कि जो जो काम उन्हीं के टाइम में हुआ है, दो बार वो रह चुके हैं, लेकिन छितौनी में कोई अगर काम किए हो तो दिखा दे हमसे कि हमने यह काम किया है। अच्छा, हैथी सुख बात हो बाबू, छितौनी से तुम को ही खातिर, लेकिन आज ले केहू MP MLA मंत्री केहू नहीं कल की ट्रेन चलवा दी, लाइन बनवा दी। इतने हम लोग की यार है कि गंगा की पानी हम लोग के परेशान करती है और कोई नहीं देखता है। तो आगे आपकी राय क्या है? आगे राय है कि भाजपा के हम लोग वोट देंगे, लेकिन यह ट्रेन हम लोगों की चलना चाहिए। अच्छा, ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, और हमारे चचा हैं साथ में। चचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम जतन यादव। क्या नाम है? राम जतन यादव। राम जतन यादव, अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? यहीं का। अच्छा अच्छा, क्या इरादा है इस बार? जो सबका इरादा है वो मेरा भी है। अरे भाई, सब कोई जो खाएगा वही नहीं खाएंगे आप? आपका इरादा अलग ही होगा? कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं है। आ? अलग नहीं है, जो सबका इरादा है वो मेरा भी है। तो सबका इरादा कैसे आप जान पाएंगे? एक दूसरे से कहा कही हो। अभी तक आपने एक दूसरे से बात किया कि नहीं किया? अभी तक तो नहीं किया, अभी तो काम धाम में अपने खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं। अच्छा, अभी आपने इरादा नहीं किया? चलिए, और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा, आप अपना नाम बता दीजिए, इधर आ जाइए आप, नाम बता दीजिए। हाँ, नरकू कुशवाहा। नरकू कुशवाहा जी हैं? ननकू कुशवाहा जी हैं। तो इस समय चुनाव का माहौल है, जान ही रहे हैं आप?
पहली तारीख को देना है, कह रहा था इस बार जामन में ता दिया जाए। अच्छा बस माहौल क्या है इस समय, सब क्या बात है, सब कोई जीत रहा है? हाँ सबे जीता था बेरा, सबे लड़ा था, सबे जीता था। अच्छा, अरे आप अपना नाम बता दीजिए, आप बुजुर्ग है ना, आप अपना नाम बताइए। किशुन देव कुशवाहा जी हैं। चलिए ठीक है, क्या इरादा है इस बार? समय बताइए, अब वही दिन समय बताएगा। हाँ कि भाजपा को वोट दे चाहे समाजवादी दे तो कांग्रेस कुछ नहीं, वो यह फैसला कर जाए। अच्छा हाँ, माहौल के बारे में कुछ पता है? हमने देहात में रह ले जा। क्या कह रहे हैं? देहात में हमने घर बा। अच्छा, अपने खेती गृहस्थी में लोग लगल रहेला। हाँ हमने गई शहर बाजार नाइट टूर कर लिया जा दे। चलिए ठीक है, इनसे चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा अपना नाम थोड़ा बता दीजिए आप। भरत। यही के निवासी हैं? हाँ यही के निवासी हैं। चितौनी के ही? नहीं चितौनी थोड़ा अलग है, हटके गांव उधर। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है इस समय, इरादा क्या है? माहौल सब ठीक है। हाँ इसके आगे और पूछिए ना, माहौल सब ठीक है, माहौल ठीक है। हाँ पहली तारीख वोट पड़ेगी, अभी बात सही है। जी जी जी, क्या? हाँ पहली तारीख वोट पड़ेगी, वोट देने जाना है। हाँ और पूछिए तो बताएं। और यही पूछना है कि सरकार बदलनी है कि बस वही चलनी है? ये तो नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे जी कि सब लोग अपनी रोटी पकाते हैं, हम कहेंगे नहीं हम फला को वोट देंगे तो कोई हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए हमको वोट देना है, जहाँ इच्छा करेगा हम वोट दे देंगे। चलिए अच्छी बात है, चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। आ जाइए इधर थोड़ा सा, आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? विद्यासागर। विद्यासागर जी हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। नगर निगम सितौनिया का टोला हमारा भैया रवाई है। अच्छा तो आप तो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, नहीं कोई क्या माहौल है इस समय? ठीक है यार, पार्टी दोनों का है अच्छा, टक्कर में है। टक्कर में तो कौन कौन? बीजेपी और ESP। बीजेपी और गठबंधन? गठबंधन टक्कर में है। टक्कर में है मतलब आपके देखने से? हमारे देखने गठबंधन बराबर में चल रहा है इसमें। 20 कौन निकलेगा? अब 20 का क्या अनुभव बता पाएंगे, जब घूम नहीं रहे हैं तो क्या बताएंगे। घूम तो जरूर रहे हैं आप ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अपना अपना बड़प्पन दे रहे हैं, मैं बड़ा हूँ। ऐसे बीजेपी लोग 20 पड़ेगी, जानते हैं बीजेपी 20 पड़ रही है, हमारे राष्ट्र में 20 पड़ रही है। अच्छा। लेकिन गठबंधन वाले लोग कह रहे हैं हमारा 20 पड़ रहा है, तो मिला जाकर दोनों जगह टक्कर में चल रहा है। अच्छा अभी टक्कर में लोग चल रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी राय है आपकी। चलिए आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करना है। चलिए सर आपका नाम? विजय कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जी। तो अब तो ऐसे लग रहा है कि है ना राजनीति से जुड़े हुए हैं आप? राजनीति से तो नहीं, मैं किसान हूँ। अच्छा मैं किसान हूँ जी जी। तो क्या माहौल है इस समय? इस समय तो माहौल में अभी तो यहाँ तो जो है समझ में नहीं आ पा रहा है माहौल, माहौल समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब की कुछ परिवर्तन चाहिए, कहाँ से एक ही प्रत्याशी को जो है दो दो बार टिकट मिलना जो है और प्रत्याशी का जो है काम ढंग देख करके लोग चाह रहे हैं कि अब की परिवर्तन हो। अच्छा इस बार परिवर्तन हो। परिवर्तन ऐसा लोग चाह रहे हैं, जनता मैंने जनता कह रही है, हम लोग का भी दिल है कि अब की परिवर्तन हो। हाँ जी शुक्रिया। हरिलाल। हम जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे। अच्छा बसपा हरा है, गठबंधन हरा है, हम उसी को वोट करेंगे। अच्छा अच्छा क्यों रुष्ट चल रहे हैं क्या? रुष्ट नहीं चल रहे हैं, उनका नियत और नियत दोनों गलत है। काम कर अब हम जो है धर्म को राजनीति से जोड़े तो ये अच्छा नहीं है, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करिए। जनता चाहती है कि विकास चाहिए, आपने विकास नहीं किया है, विकास यहाँ से चितौनी से तमकुई तक रेल लाइन लोगों ने धरना प्रदर्शन करते करते परेशान हो गया। ये दो दो मरतबा दुबे जी रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी सांसद रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अमल नहीं किए कि जनता की मांग जो है हम पूरा करें। अच्छा विजय कुमार दुबे जी के अलावा कोई और प्रत्याशी अगर भाजपा से होता तो?
कोई और प्रत्याशी होता तो उस पर सोचा जा सकता, उस पर विचार करते, इन पे विचार नहीं करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और ये जगह है पनियाहवा मस्जिदिया टोला। चूँकि ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, पड़ोना से सीधे बिहार को ये रोड निकलता है, और वहाँ एक चाय की दुकान है, एक पेड़े की दुकान है, फेमस पेड़े की दुकान है, पेड़ा बिकता है यहाँ पे। तमाम लोग जो राहगीर आते जाते हैं यहाँ रुकते हैं और पानी पीते हैं और मिठाइयाँ लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसकी क्या राय है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी राय। चचा आपके क्या नाम है? हमारा बिगन नाम है बाबू। बिगन? बिगन। पूरा नाम बताइए। बिगन। बिगन। अभी 1 तारीख को वोट होना है, पता है ना? हाँ पता है बाबू। वोट देने जाएंगे? हाँ जाएगा बाबू। अच्छा क्या इरादा है इस बार बाबू? ये इस बार इरादा है साइकिल पर वोट देना है। अच्छा हाँ बाबू, साइकिल पर वोट देना है बाबू, यही इरादा है। अच्छा हाँ। साइकिल पर वोट करेंगे? हाँ, साइकिल पर वोट करेंगे। पिछली बार किस पे वोट किए थे? पिछली बार वातावरण मोदी के वोट किए हैं बाबू। इस बार क्यों साइकिल पे जा रहे हैं बाबू? जाते हैं वातावरण इसीलिए, जो हाई गैस टंकी है उसको भाव बढ़ गया और तमाम महंग हो गया सर सामान, हर एक चीज बाबू वातावरण बहुत हो गया बात। हाँ इसीलिए बाबू। चलिए चलिए और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा सा चाय रख दीजिए और मुझसे बात कर लीजिए आप। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? आलम। शाह आलम। शाह आलम, क्या इरादा है इस बार? हम लोग साइकिल ये के देंगे। साइकिल कोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को। अच्छा पिछले बार भी किसको दिए थे? पिछले बार दिए थे, दिए थे साइकिल को दिए थे। चलिए चलिए साइकिल को ही दिए थे, इस बार भी साइकिल को देना है। ये बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? कुछ नहीं है, एम एस एम एम भाई। अच्छा चलिए चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? राजू नाम है। क्या नाम है? राजू। पूरा नाम बताइए। राजू कनौजिया। राजू कनौजिया जी हैं आप, क्या इरादा है इस बार? देखिए हम जब पटौना थे पहले तो मौर्य जी के साथ रहे हैं हम। अच्छा अच्छा। जब भी आए प्रचार प्रसार किए हैं वहाँ पे, हमारे दो विधायक जब भी रहे तो उनके साथ में रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों का लगाव ज़्यादा है, तो हम लोग तो उन्हीं को करते हैं। व्यक्तिगत लगाव है तो फिर? नहीं इसके पहले हमारे यहाँ पे है तो सांसद जी को दिए गया थे आप। अच्छा अच्छा। ऑल फैमिली दी। इस बार किसको इरादा है? कहीं रहे हम मौर्य जी है तो भाई तो देना ही है हम लोगों को। अच्छा अच्छा जी जी चलिए ठीक है ठीक है। और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, आ जाइए थोड़ा सा अंदर, चाय की दुकान में कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की राय क्या है इस बार। चूँकि 1 तारीख को चुनाव होना है, लोग किसे सरकार बनाना चाहते हैं, चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंगूर अंसारी जी। अंगूर अंसारी। अंगूर अंसारी जी हैं। आपका घर कहाँ है? बुलहा बैरा टोला। कौन सी जगह? बुलहा बैरा टोला। बुलहा बैरा टोला कहाँ है ये? इसके बगल में है, कुशीनगर में ही है। हाँ छिदव नगर पंचायत है। अच्छा अच्छा छिदव नगर पंचायत है। छिदव नगर पंचायत है जी। इस बार क्या इरादा है? साइकिल है सर हमारे हमारे यहाँ। अच्छा साइकिल है। साइकिल है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, आइए एक युवा हैं उनसे बात करते हैं, देखें ये क्या कह रहे हैं, अपनी कैसे राय दे रहे हैं। क्या राय है आपकी? हमारी क्या राय, अभी तो चुनाव का माहौल है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब चलिए ठीक है नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो आपने मन बना ही लिया होगा, किसको इस बार सरकार बनाने की उम्मीद रख रहे हैं आप? साइकिल का ही उम्मीद रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार भारती। रमेश कुमार भारती। रमेश कुमार भारती जी हैं। चलिए तो साइकिल को ओढ़ देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए एक और हैं, आइए आइए इनसे बात कर लेते हैं, आप ही से बात कर लेते हैं। चलिए भाई क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सोनू मदेसिया नाम पड़ेगा मेरा। सोनू मदेसिया जी। क्या इरादा है इस बार? इस बार क्या इरादा है देखिए, भगवान जाने। युवा हैं ठीक है, अब देखिए
भगवान जाने हम लोग तो मधेसिया वोट तो आप ही को करना है, वोट तो करना है। किसे देखना चाहेंगे? अब देखिए अब क्या बताएं हम, कुछ बताएंगे नहीं, बता नहीं। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।